अगर आप अपने लिए एक नई वेबसाइट शुरू कर रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए और आपने अपने लिए एक नया डोमेन खुद से चूज किया है और आप कंफ्यूज हैं कि क्या वो डोमेन यूज करना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ। आपने चेक करना है डोमेन की हिस्ट्री क्या है, जो आपने नेम सेलेक्ट किया है उसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है। बैकलिंक चेक करनी है और स्पैम स्कोर चेक करना है। अब इन तीनों के लिए आप कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं। डोमेन हिस्ट्री के लिए आप HRF और स्टैमरस का टूल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट आर्काइव वेबबैक मशीन का भी यूज कर सकते हैं। बैकलिंक चेक करने के लिए आप HRF के ही फ्री बैकलिंक चेकर टूल का यूज कर सकते हैं। वहां पर आपके बैकलिंक जीरो होने चाहिए। और स्पैम स्कोर चेक करने के लिए आप dapachecker.org पे जा सकते हैं। अब जैसे moneyjax.com को 23/12/2021 में रजिस्टर किया गया था, लेकिन जब हम इसकी हिस्ट्री वेबबैक मशीन में चेक करते हैं तो 2009 में भी इसके स्नैपशॉट्स आ रहे हैं। अगर नए डोमेन में ऐसा आता है तो आपको वो नहीं लेना। ऐसे ही फ्री बैकलिंक चेकर टूल में आपके बैकलिंक जीरो और लिंकिंग वेबसाइट भी जीरो होनी चाहिए नए डोमेन के लिए। ये एक डेमो डोमेन है, इसको मत सर्च करने कोशिश करना। ऐसे ही जब आप dapachecker.org पे जाओगे तो वहां पर भी आपको रिजल्ट्स में नए डोमेन पर स्पैम स्कोर जीरो दिखना चाहिए। आपके नए डोमेन के लिए अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आप वो डोमेन ले सकते हो। एंड ऑल सेट।